हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका गेट प्रेग्नेंट चैनल में। महिला के बच्चेदानी में अगर गांठ हो जाता है तो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। अंडाशय के गांठ के बारे में आपने सुना होगा, जिसे PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर कहा जाता है, लेकिन बच्चेदानी के गांठ के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रेग्नेंट ना होने के बड़े कारणों में से एक बड़ा कारण बच्चेदानी में गांठ भी है। सो आज की इस वीडियो में आपको बच्चेदानी के गांठ के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। बच्चेदानी में गांठ क्यों होता है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे साइंस बेस्ड आयुर्वेदिक घरेलू उपाय के बारे में बताऊंगा, जिससे आप कुछ ही समय में अपने बच्चेदानी के गांठ को ठीक करके जल्दी प्रेग्नेंट हो पाएंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बच्चेदानी में गांठ कितने तरह के होते हैं। बच्चेदानी में गांठ दो तरह के होते हैं, एक एंडोमेट्रोसिस, दूसरा एडिनोमायोसिस। अगर गांठ गर्भाशय के बाहर होता है, बच्चेदानी के बाहर होता है, तो उसे एंडोमेट्रोसिस कहा जाता है। और अगर ये गांठ बच्चेदानी के अंदर होता है या उसके मांसपेशियों में होता है, तो उसे एडिनोमायोसिस या फाइब्रॉइड कहा जाता है। एडिनोमायोसिस और फाइब्रॉइड दोनों एक ही चीज़ है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जब आपके बच्चेदानी में गांठ होता है तो इसके आपको कई सारे लक्षण महसूस हो सकते हैं। एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रोसिस के सिम्टम और लक्षण बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं। दोनों में आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। पीरियड आने के पहले और पीरियड के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, आपको हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इन दोनों में एक खास अंतर भी है, जिससे आप इन दोनों में फ़र्क आसानी से पता कर सकते हैं। अगर महिला को एडिनोमायोसिस हो जाता है तो महिला के बच्चेदानी में सूजन आ जाती है, बच्चेदानी का साइज बड़ा हो जाता है, यूट्रस बल्की हो जाती है, और पेड़ों को दबाने पर महिला को दर्द भी महसूस हो सकता है। लेकिन एंडोमेट्रोसिस में ऐसा नहीं होता है, एंडोमेट्रोसिस में बच्चेदानी का साइज बड़ा नहीं होता है। लेकिन एंडोमेट्रोसिस में महिलाओं को पेड़ों के किसी खास हिस्से में दर्द हो सकता है, दाएं या बाएं तरफ दर्द हो सकता है, नाभि के नीचे दर्द हो सकता है, या पेड़ों के किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है। वैसे आप चाहें तो MRI या अल्ट्रासाउंड की मदद से भी पता कर सकते हैं कि आपके बच्चेदानी में गांठ की समस्या है या नहीं। अगर हम कारण की बात करें तो बच्चेदानी में गांठ होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी बच्चेदानी में गांठ हुआ था तो अनुवांशिक के कारण आपको भी ये समस्या हो सकती है। ये इन्फेक्शन के कारण भी कई महिलाओं में हो जाती है, ये हार्मोन की गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है। और अगर आपकी लाइफ की पहली पीरियड 12 साल के उम्र से पहले ही आ गई थी, यानी कि 10 या 11 साल में ही आपकी पीरियड स्टार्ट हो गई थी, तो इस कारण भी आपको एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चेदानी में गांठ हो सकता है। और अगर आपकी पीरियड साइकिल बहुत ही शॉर्ट है, 20 या 24 दिन पर ही आपकी पीरियड आ जाया करती है, तो इस कारण भी आपके बच्चेदानी में गांठ हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ रिसर्च और साइंटिफिक बेस्ड घरेलू उपाय के बारे में बताता हूं, जिससे आपकी बच्चेदानी का गांठ ठीक हो जाएगा और आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। नंबर 1, कचनार गुगुल। कचनार गुगुल पे कई अध्ययन, कई स्टडी की जा चुकी है, कई महिलाओं पर रिसर्च किया जा चुका है कि कचनार गुगुल महिलाओं में एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड, पॉलिप्स और PCOD जैसे बड़े प्रॉब्लम को भी आसानी से और इफेक्टिव तरीके से ठीक कर देता है। इतना ही नहीं, आयुर्वेदा के अनुसार कचनार गुगुल महिलाओं में मल्टी डायरेक्शनल तरीके से काम करता है। ये महिलाओं में वात, पित्त और कफ दोष को बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे महिलाओं के बच्चेदानी का गांठ आसानी से और जल्दी ठीक हो जाता है। कचनार गुगुल के लिए आपको अलग अलग जड़ी बूटी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कचनार गुगुल बना बनाया आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में मिल जाता है। ये आपको कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कचनार गुगुल को परचेस कर लेना है। वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अच्छे ब्रांड का कचनार गुगुल का परचेस लिंक दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से इसे ऑनलाइन खरीद कर घर पर मंगवा सकते हैं। इसे परचेस करने के बाद बस आपको करना क्या है कि दिन में 2 बार खाना खाने के बाद 1 या 2 टैबलेट हल्के गुनगुने पानी के साथ आपको इसे खाना है। इसे आपको हर रोज़ खाना है, इसे आपको लगातार 1 महीने तक ज़रूर खाना है। जब तक आप प्रेग्नेंट ना हो जाएं, इसका इस्तेमाल आपको करते रहना है। 1 महीने इस्तेमाल करना है, फिर आपको 10 दिन का गैप लेना है, फिर आपको इसी तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। वैसे कुछ ही दिन में आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा, बच्चेदानी का गांठ ठीक हो जाएगा और आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। नंबर 2, कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी भी एक स्टडी बेस्ड आयुर्वेदिक हर्ब है,
जो महिलाओं के गर्भाशय में बच्चेदानी में एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ को रोकने में मदद करता है, साथ ही ये महिलाओं में पीएमएस के सिम्टम को भी कम करता है। तो कैमोमाइल टी भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है, ये आपको 100 से 150 रुपए में मिल जाएगा। इसे परचेस करके बस आपको सुबह शाम इसका चाय बनाकर पीना है, आपके बच्चेदानी के गांठ की समस्या ठीक हो जाएगी। नंबर 3, हल्दी। हल्दी के कई फायदों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हल्दी आपके बच्चेदानी के गांठ की समस्याओं को आसानी से ठीक कर सकता है, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एक पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी है। ये आपके बच्चेदानी के गांठ की समस्या को तो ठीक करता ही है, साथ ही आपके पीरियड पेन और हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। और अगर आप हल्दी के साथ काली मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं तो हल्दी का पावर 100 गुना तक बढ़ जाता है। तो हल्दी का इस्तेमाल करने के लिए रात में सोने से पहले आपको एक गिलास गुनगुना दूध लेना है, उसमें आपको आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर उसमें मिक्स करके उसे आपको पी लेना है। इसे आपको हर रोज रात में सोने से पहले जरूर पीना है। इससे ना सिर्फ आपकी पीरियड की प्रॉब्लम ठीक होगी, बल्कि आपके बच्चेदानी का गांठ की समस्या भी ठीक हो जाएगा और आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे घरेलू उपाय का आपको जल्दी रिजल्ट मिले, तो इन सारे घरेलू उपाय को करने के साथ साथ आपको हर रोज योगा और एक्सरसाइज भी जरूर करना है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको यह जरूर बताता हूं कि आप योगा और एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि योगा और एक्सरसाइजेस ना सिर्फ आपको स्लिम और फिट रखने में मदद करता है, बल्कि यह आपके इनफर्टिलिटी की समस्याओं को भी ठीक करता है। तो हर रोज आपको कम से कम सुबह में 30 से 35 मिनट योगा और एक्सरसाइज जरूर करना है। योगा और एक्सरसाइजेस में आप चाहें तो सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, रनिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, साइकिलिंग, तितली आसन, स्विमिंग या कीगल एक्सरसाइज जैसे योगा और एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो आपको इन सारे योगासन को एक्सरसाइजेस को लिख कर रख लेना है और इसे आपको हर रोज कम से कम 30 से 35 मिनट तो जरूर ही करना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आपके बच्चेदानी में गांठ की समस्या हो गई है और आप इसे हमेशा के लिए परमानेंट ठीक करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप हिस्टेरेक्टॉमी करवा लें। अगर अब आपको बच्चा नहीं चाहिए, अब आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, आपका एज 45 या 50 से प्लस हो गया है और आपके बच्चेदानी में गांठ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप अपने बच्चेदानी को हिस्टेरेक्टॉमी प्रोसीजर की मदद से उसे बाहर ही निकलवा लें। वैसे हिस्टेरेक्टॉमी के भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कई सारे नुकसान होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बता दूंगा, लेकिन अगर बच्चेदानी में गांठ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो इसे आपको निकाल लेना ही बेहतर रहेगा। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल या सुझाव है, नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।